आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 28 तारीख को हम स्थापना दिवस जो हमारा 13 अक्टूबर का था मनाने वाले थे, पर कोई हमारे बड़े गुरुओं के देहांत की वजह से आज हमारे समाज का कोई भी कार्यक्रम हो नहीं सकता, तो इसके लिए हम कार्यक्रम रद्द किए। पर कल हमारी मुलाकात मेला अधिकारी से हुई थी और उनसे बात होने के बाद नवंबर में किन्नर अखाड़ा पूरी दलबल के साथ आएगा और 20 तारीख को हमने तय किया है कि भूमि पूजन किन्नर अखाड़ा करेगा और जितने भी हमारे बारे में विवाद वाद चल रहे हैं उस पर सारा अंकुश है कि किन्नर अखाड़ा 2019 के प्रयागराज के कुंभ में ज़रूर हम आएंगे। प्रयागराज सबका है, देव दनुज किन्नर नर श्रीनी तीनों महजती सकल त्रिवेणी। जब शास्त्रों ने जब धर्म ने किन्नरों को उपदेवता का स्थान दिया है, हमने अपना स्वयं का अखाड़ा स्थापित किया है और हमारी मान्यता और हमारे धर्म को जिस तरीके से हम सनातन धर्म को अपनी दृष्टिकोण से सदियों से हमारे बुजुर्ग देखते आए हैं उसी दृष्टिकोण से हम सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम देवत्व यात्रा निकालेंगे जिसे आप सारे समाज पेशवाई कहते हैं। अमृत स्नान होगा हमारा जिसे पूरा समाज शाही स्नान का लकब दिया हुआ है और हम पोष मतलब जिसे कहते हैं त्रिकाल संध्या स्नान करेंगे, हमारा शाही स्नान रहेगा। अगर मैं या भवानी या सोनम अकेली भी झंडा लेके किन्नर अखाड़े का चलेगा, नंबर गेम में हम नहीं हैं, ये राजनीतिक पार्टी कह सकती है नंबर गेम्स कि किसको कितना वोट पड़ा, किसके कितने एमपी हैं। ये अखाड़ा है, ये धर्म क्षेत्र है, यहाँ पे चलने वाले पे महत्वता होती है। जिस वक्त हिंदू सनातन धर्म का पतन हो रहा था, आदि शंकराचार्य प्रभु अकेले चले थे और उन्हीं जरिए से सारी पीठें बनी, उन्हीं के आशीर्वाद से सारे अखाड़े चलते हैं और वही परंपरा हम भी चला रहे हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अकेले हो, भवानी अकेली हो, पुष्पा हो, सोनम हो या पवित्रा हो, हम हमारा सनातन धर्म छोड़ नहीं सकते या किसी के भी दबाव में आके हम अपने आप को ख़त्म होने नहीं देंगे। जब हम सर्वोच्च न्यायालय से